अस्सलाम वालेकुम। आज बनाऊंगी मैं शीर खुरमा मेरे स्टाइल में। आइए अब हम बनाना स्टार्ट करें। मैंने कुछ सूखे हुए ड्राई फ्रूट लिए, इसे बारीक कटिंग कर लिया। मैंने काजू लिए, काजू को भी पतला कटिंग कर लिया है। मैंने अंजीर लिए है, अंजीर को भी बारीक कट कर लिया है। मैंने अखरोट लिए, अखरोट को भी बारीक कट कर लिया। इस तरह मैंने इसमें पेंड खजूर लिया है, काजू जो सूखे वाले पेंड खजूर रहते हैं वो लिए हैं। मैंने इसे भी लंबा लंबा कट कर लिया। मैंने थोड़ी सी खसखस लिए, इलायची पाउडर लिए और सूखी हुई सेव ली है। मैंने एक तरफ मैंने इसमें पिस्ता लिया है, पिस्ते को भी मैंने बारीक कटिंग कर लिया है। मैंने चारोडी ली है, चारोडी को भी अच्छी तरह साफ करके लिया है। मैंने बादाम लिया है, बादाम को भी पतला कटिंग कर लिया है। मैंने इसमें जो तरबूज के बीज है वो भी लिए है और किशमिश लिए है, सूखा हुआ नारियल और एक दूध का पैकेट लिया है। पहले मैंने दूध का पैकेट इसमें निकाल लूँगी, इसमें पानी का यूज़ नहीं की हूँ मैंने दूध में, और इसे गर्म कर लूँगी, एक उबाल आने दे लूँगी। आइए हम तड़का भी तैयार कर लेते हैं। एक तरफ मैंने फैन में घी लिया है, घी को थोड़ा सा हल्का सा गर्म होने दिया, उसमें लौंग इलायची डाली है और जो ड्राई फ्रूट हमने पतले कटिंग करके रख लिए थे मैं वो भी एक एक करके इसमें डाल लूँगी। और गैस को मैं कम ही आँच पर रखूँगी और मैंने जो किशमिश थी वो भी मैंने डाल दी है इसमें। किशमिश को अच्छी तरह मैं भून लूँगी सभी ड्राई फ्रूटों को, किशमिश भी अच्छी तरह फूल चुके हैं इसमें। अब मैंने इसमें नारियल डाला है, खसखस डाली है और जो सूखी हुई सेवी थी उसे भी मैं हाथों से क्रश कर लूँगी और इसमें डाल दूँगी और अच्छी तरह इसे मिक्स करूँगी, चम्मच चलाते रहूँगी ताकि हमारे ड्राई फ्रूट जो है वो जले नहीं। और आँच को मीडियम ही रखना है, नहीं तो ड्राई फ्रूट जल जाएंगे। अब जो दूध गर्म हो चुका था मैं उसमें ये भी डाल दूध भी डाल दूँगी सूखे हुए ड्राई फ्रूट में, और चीनी डाल दूँगी टेस्ट के हिसाब से। सभी को अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी और टेस्ट के लिए मैं इलायची पाउडर डालूँगी इसमें। ये बन के रेडी हो चुका है शीर खुरमा। आप आपके रिश्तेदारों को या अड़ोसी पड़ोसी को भी आप इसे बना के खिला सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बना है। ये बन के रेडी हो चुका है शीर खुरमा। आप भी मेरे स्टाइल का शीर खुरमा बना के देखिए, आपके रिश्तेदारों को, आपके जो भी रिलेटिव है उसे बना के खिलाइए। अस्सलाम वालेकुम।